बुढ़िया थी उसे रसमलाई बहुत पसंद था, इसलिए उसे रसभरी कह के बुलाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से रसभरी बुढ़िया के मन में शांति नहीं था। एक चोर रोज रोज आकर रसभरी के रसमलाई खा के चला जाता था, इसलिए रसभरी बुढ़िया एक दिन राजा के पास गई शिकायत लेकर। नदी के किनारे से जा रही थी उसी वक्त रसभरी को देखकर मछली बोली, रसभरी कहाँ जा रही हो? चोर मेरा रसमलाई खा जा रहा है, इसीलिए राजा के पास जा रही हूँ शिकायत करने। सही विचार ना मिले तो मेरे पास आना, तुम्हारा मंगल होगा। ठीक है। रसभरी कहाँ जा रही हो? चोर आके मेरा रसमलाई खा जा रहा है, इसीलिए राजा के पास जा रही हूँ शिकायत करने। सही विचार ना मिले तो मेरे पास आना, तुम्हारा मंगल होगा। अच्छा। रसभरी कहाँ जा रही हो तुम? चोर मेरा रसमलाई खा जा रहा है, इसीलिए राजा के पास जा रही हूँ शिकायत करने। सही विचार ना मिले तो मेरे पास आना, तुम तुम्हारा मंगल होगा। ठीक है। उसके बाद रसभरी का मुलाकात हुआ एक अस्तूरे से। रसभरी कहाँ जा रही हो? चोर मेरा रसमलाई खा जा रहा है, इसीलिए राजा के पास जा रही हूँ। सही विचार ना मिले तो मेरे पास आना, समझी? ठीक है। उसके बाद चलते चलते रसभरी आ पहुँची राजमहल में। क्या हुआ, क्या चाहिए? महाराज, एक चोर आकर रोज रोज मेरा रसमलाई खा जा रहा है, इसीलिए आपसे अनुरोध है, आप उसे कठिन से कठिन सजा दीजिएगा महाराज। देखिए रसभरी, मेरे पास बहुत काम है, इसीलिए तुम्हारे फालतू के काम में समय व्यर्थ नहीं करूंगा मैं। तुम आप जाओ। दुखी होकर बुढ़िया अपने घर जा रही थी। रास्ते में चलते चलते याद आया अस्तूरा, बैल, गोबर और मछली की बात। उनके बातों के अनुसार उन्हें ले आई अपने घर। जब बुढ़िया अपने घर आई, अपने आंगन में पहुंची, तभी अस्तूरा बोला, रसभरी तुम मुझे घास के ऊपर रख दो। ठीक है। उसके बाद बुढ़िया जैसे चौखट पे पैर रखी, तभी गोबर बोला, रसभरी तुम मुझे सीढ़ी के नीचे फेंक कर रखो। ठीक है। उसके बाद बुढ़िया अपने घर के अंदर आई। घर में आने से मन मेरा शांति हो गया। रसभरी रसभरी तुम मुझे चूल्हे में रखो। तुम मुझे अपने रसमलाई के अंदर डाल दो। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। सबके बातों के अनुसार हुआ, इधर रात हो गई। चोर रसभरी के घर में आया और रसमलाई में हाथ डाला। उसी समय, रुक चोर, तेरे हाथ में ऐसा काटा मारूंगी कि। ये क्या हुआ, हाथ में क्या काट लिया? बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा चूल्हे में सेक लेता हूँ, आराम मिलेगा। रुको चोर, तुम्हें मजा चखाता हूँ। अयो, चूल्हे में क्या है, अब मुझे रस मलाई नहीं खाना है, भगता हूँ यहाँ से। अयो, मैं फिसल कैसे गया, पैर में क्या लग गया, घास में पोंछ लेता हूँ। अब मेरा काम। अयो, क्या करूँ,
चोर को पकड़ो। उसके बाद गांव के लोग जब दौड़ाए तब से चोर रस मलाई खाना भूल गया और चोरी ही करना बंद कर दिया। उसके बाद रस भरी बुढ़िया भी निश्चिंत होकर रस मलाई खाने लगी।